जीवन में कभी कभी एक छोटी सी चीज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक कक्षा में गुरुजी के तीन शिष्यों की विद्या पूरी होने जा रही थी। तब उन तीनों शिष्यों ने गुरुजी से बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आप ही बताइए हम आपको क्या दें। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहा, ये एक थैला लो और इसमें एक थैला भर के सूखी पत्तियां मेरे लिए आज शाम तक ले आओ। बस मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में इतना ही चाहिए। उन तीनों ने वो थैला पकड़ा और सोचा, अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बस अभी पास वाले जंगल में जाएंगे और ढेरों सूखी पत्तियों में से कुछ भी गिनी चुनी सूखी पत्तियां उठाकर इस थैले को भरकर अभी वापस ले आएंगे। गुरुजी ने बेकार ही शाम तक का समय हमें दिया। ये सोचकर वो पास के जंगल में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर तो सूखी पत्तियां हैं ही नहीं, गिनी चुनी कुछ सूखी पत्तियां पड़ी हैं। ये देखकर वो बड़े आश्चर्य में आए और उन्होंने सोचा कि भला ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे जंगल से सूखी पत्तियां ही गायब हो गई हों। फिर उन्होंने पास से गुजर रहे एक किसान से पूछा, ये सूखी पत्तियां यहां से कहां गईं, पूरे जंगल में कहीं सूखी पत्तियां हैं ही नहीं। तो उस किसान ने जवाब दिया कि मैं अपने घर के ईंधन के लिए, चूल्हा जलाने के लिए अक्सर यहां से सूखी पत्तियां बीन कर ले जाता हूं, इसीलिए यहां पर सूखी पत्तियां हैं ही नहीं। लेकिन हां, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। तुम पास ही के गांव में जाओ, वहां पर एक साहूकार सूखी पत्तियों से कुछ बनाकर बेचता है, शायद उसके पास तुम्हें ये सूखी पत्तियां मिल जाएं। उन तीनों की कुछ उम्मीद जागी और वो पास के गांव में उस व्यापारी के पास गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वो उन सूखी पत्तियों से दोने और पत्तल बना के बेचा करता था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, आज तो मेरे सारे के सारे पत्तल और दोने बिक गए, मेरे पास तो सूखी पत्तियां हैं ही नहीं। लेकिन हाँ, इसी गांव में एक बूढ़ी महिला है जो सूखे पत्ते बीन कर लाती है, तुम उसके घर चले जाओ, शायद वहां पर तुम्हें कुछ सूखी पत्तियां मिल जाएं। वो तीनों बस अपनी इस आखिरी आस को लिए उस बुढ़िया के घर पर गए। वहां पर जाकर उन्होंने उससे पूछा, दादी माँ क्या आपके पास सूखी पत्तियां मिलेंगी? तो उन्होंने कहा, बच्चों मैं तो सूखी पत्तियां बीन कर कुछ औषधियों के लिए लेकर आती हूँ, जितनी मैं लाई थी उन्हें तो सबको पीस कर मैंने औषधि बना दी, अब तो मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी सूखी पत्तियां नहीं हैं। वो तीनों बड़े निराश हुए और लौटकर गुरुजी के आश्रम में ही पहुंच गए। जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या तुम सूखी पत्तियां भरकर वो थैला वापस ले आए, तो तीनों निराश होकर सर झुकाए खड़े हो गए। फिर उनमें से एक शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी हमें सूखी पत्तियां नहीं मिली, बस जो दो चार मिली हैं वही हैं इस थैले में। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने वो थैला लेकर उन तीनों को आजाद किया। बोला, मैंने मान लिया यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है और मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन कभी तुमने सोचा कि आज तुम्हें सूखी पत्तियां मैंने लाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि जब आप सूखी पत्तियां इकट्ठा करने गए, मैं जानता था कि तुम्हें इस मौसम में सूखी पत्तियां नहीं मिलेंगी। और जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम अक्सर छोटी छोटी चीजों की कद्र नहीं करते और सोचते हैं इनका हमारे जीवन में क्या काम, और उन्हें तिरस्कार करते हुए, उन्हें बेवजह फालतू समझते हुए हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जीवन के किसी समय जब हमें एक छोटी सी वस्तु की जरूरत होती है तो वही हमारे लिए सबसे कठिन बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी छोटे से छोटे इंसान का, किसी भी आदमी का कभी भी तिरस्कार ना करें, कभी भी किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि शायद जब आपको उसकी जरूरत पड़े तब वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इन सूखी पत्तियों की तरह। कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।